नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे दो ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में जिनका इस्तेमाल अगर सही समय पे कोविड के मरीजों में कर लिया गया तो कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और जो डेथ है इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और ये दवाइयां हैं स्टेरॉइड्स एंड ब्लड थिनर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया सही समय, मतलब राइट टाइम क्या है ब्लड थिनर और स्टेरॉइड्स को देने का। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो शुरुआती दो चार दिनों तक जो है इसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब इसका संख्या बढ़ता है, वायरल लोड शरीर में बढ़ता है। उसके बाद जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्शन में आ जाता है और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, इससे फाइट करता है। जब इसको न्यूट्रलाइज करने की जब कोशिश करता है, फाइट करता है, तो इसी दरमियान जो है बहुत सारे जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं और ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स ये फिर सिग्नल देते हैं इम्यून सिस्टम को और इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट कर जाता है। और ये सब में नहीं करता है, किसी किसी लोगों में करता है। और जब हाइपर रिएक्ट करता है तो उसके बाद और ज्यादा इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं और टिश्यू और ऑर्गन जो है डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। मेनली जो ये इम्यून जो हाइपर रिस्पॉन्स होता है या एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, इसी को हम बोलते हैं इम्यून डिसरेगुलेशन बोलते हैं। और यही प्रोसेस जो है जनरली हम बोलते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म है। और यही सबसे जानलेवा प्रोसेस है, खासकर अगर हम बात करें कोविड 19 में। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कोविड 19 में वायरस के चलते जो है मौत हो रही है। मौत का मेन कारण जो है, डेथ का मेन कारण जो है, लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वायरस आया, रेप्लिकेट किया, इम्यून सिस्टम जो है हमारा फाइट करना शुरू किया, वहां तक सही है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम को ऐसा सिग्नल मिलता है कि इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्स करने लगता है, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स करता है, इसी रिस्पॉन्स को हमको कट ऑफ करना है। और यहीं पे रोल आता है स्टेरॉइड्स का। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक मोहल्ले में 8-10 जो है क्रिमिनल घुस गए, क्रिमिनल मतलब कोरोना वायरस, तो लोकल जो पुलिस स्टेशन है वो एक्टिव हो जाएगा और इससे फाइट करने की कोशिश करेगा, इसको इनकाउंटर करेगा। बट बहुत बार क्या होता है कि ये जो फाइट चल रहा है, ये क्रिमिनल्स और जो लोकल पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं, इसके बीच में फाइट चल ही रहा है कि कुछ ऐसा सिग्नल्स चला जाता है जिससे कि आर्मी तक चला जाता है सिग्नल कि बहुत लगता है कि भयानक जो है जो इनकाउंटर चल रहा है। तो सारे आर्मी वहां डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, पूरा गोला बारूद और तोप लेके आ गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो क्रिमिनल्स तो मरेंगे ही, साथ में आसपास का जितना भी घर है, तो घर मतलब हमारे ऑर्गन है, लंग्स है, बाकी ऑर्गन्स है, ये सब भी तो डैमेज होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि वहां जरूरत थी सिर्फ लोकल पुलिस को टैकल करने की, बट कुछ ऐसे सिग्नल मिले कि पूरा मिलिट्री जो दस्ता है वो आके वहां पे, जो पूरा प्लाटून वहां आ गया और वो जो है पूरा आर्म्स एंड एम्बुलेशंस लेके आ गए और फायरिंग शुरू हो गई और वहां पे पूरा तहस नहस हो गया। तो इसी चक्कर में जो है पूरा मोहल्ला भी एक तरह से बोले कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही इम्यून हाइपर रिस्पॉन्स। हम चाह रहे हैं कि उस वायरस से जो है सिर्फ लोकल जो हमारा इम्यूनिटी है सिर्फ वही उससे लड़े, न कि एक तरह से बोले कि मिलिट्री को बुलाए। तो यही काम हम करता है स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स क्या करता है कि सबको सप्रेस कर देता है। ये लोकल पुलिस को भी सप्रेस कर देगा उसके एक्शन को, मिलिट्री के एक्शन को भी सप्रेस कर देगा, इम्यून पूरा डाउन कर देगा। और अगर इम्यून पूरा डाउन हो गया तो क्या होगा, वायरस तो ठीक है, वायरस है, साथ में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है बॉडी में। तो ये हमको ख्याल रखना है कि जब भी हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो साथ में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा एंटीबायोटिक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है दे के हम रखते हैं ताकि सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो। वहां तो पूरा इम्यूनिटी पूरी तरह से कम कर दिए हैं क्योंकि हाइपर एक्टिवेट हो गया था वो इम्यून सिस्टम, उसके चलते नॉर्मल इम्यूनिटी भी हमारा काफी हद तक जो है सप्रेस हो गया है, तो हमारा बैक्टीरिया से लड़ने वाला मैकेनिज्म भी नहीं रहा। इसीलिए हो सकता है कि यही अपॉर्चुनिटी है बैक्टीरिया के लिए कि वहां पे हमको इन्फेक्ट कर दे। तो बहुत बार जो है वायरल इन्फेक्शन तो देखा ही जा रहा है कि कोरोना वायरस आया और इन्फेक्ट किया, बट साथ में देखा जा रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत हो गए। क्यों हुए? क्योंकि हमने इम्यूनिटी को लोअर किया। किससे लोअर किया? स्टेरॉइड से लोअर किया। इसीलिए हम एक कवरेज देके रखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो है पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम हो सकता है या सिफ्ट्राइजोन हो सकता है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज हमको देना जरूरी है। तो कैसे पता चला कि जो स्टेरॉइड्स का जो यूज है इस कोविड के पेशेंट्स में जिनमें हाइपर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसमें काफी कारगर साबित हो रहा है और काफी हद तक जो है कॉम्प्लिकेशन और डेथ को कम कर रहा है? तो एक रिसर्च और ट्रायल हुआ यूके में जिसका नाम था रिकवरी ट्रायल।
इसमें देखा गया कि 2000 से 2300 पेशेंट्स को जो है जो कोविड पॉजिटिव थे उनको जो है स्टेरॉयड का इंजेक्शन दिया गया, और खासकर ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये बात ध्यान दीजिएगा, जिनको भी ऑक्सीजन की जरूरत थी हॉस्पिटलाइज थे उन पेशेंट्स में ये ट्रायल लिया गया, और उनको जो है डेली करके जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है ये 6 मिलीग्राम आईवी वंस डेली करके जो है 10 दिन तक दिया गया, और इधर जो 4,450 जो पेशेंट्स थे इनको कुछ नहीं दिया गया, ये प्लेसिबो ग्रुप में थे। तो जो आउटकम निकल के आया 2-3 महीने बाद वो बहुत मतलब हैरतअंगेज था। उसमें पता चला कि जिनको भी डेक्सामेथासोन ग्रुप में मतलब स्टेरॉयड वाले ग्रुप में पेशेंट्स को जो दिया गया उनमें मोर्टिलिटी जो है डेथ रेट 35% तक कम मिला। तो उसके बाद से जो है ये प्रूवन हो गया कि डेक्सामेथासोन जो है और या स्टेरॉयड्स का एक बहुत डेफिनेट रोल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19 और इसके कॉम्प्लिकेशन से और इसके डेथ से जो है बचाता है। बाद में बहुत सारे ट्रायल्स और भी हुए जिसमें अदर स्टेरॉयड्स का यूज किया गया जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन, और सबका बहुत पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला। तो ये कितने डोज में और कितने दिनों तक देना है और किस पेशेंट्स को देना है तो मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसे देख लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस दिन मेरा जो है इम्यून हाइपर रिस्पॉन्स करेगा या हाइपर इन्फ्लामेशन होगा। तो इसके लिए क्या है कि कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि जो है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है अगर आपका पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 94 से कम होने लगा, 5-6 दिन हो गया फीवर बहुत हाई ग्रेड है, 5-6 दिन हो गया और आप देख रहे हैं कि कफ जो है थम ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली जो है कफ हो रहा है, बहुत कमजोर आप हो गए हैं, बहुत वीक लग रहा है आपको अंदर से, सारे शरीर में अगर दर्द कर रहा है, ब्लड टेस्ट कराया आपने इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का जो कि है CRP है, CBC है, IL-6 है, प्रोकैल्सिटोनिन है, LDH है, ये सब काफी ज्यादा आ रहा है, डी डाइमर आपने कराया, डी डाइमर जो है डबल से ज्यादा, अगर आप देख रहे हैं कि फीवर कम गया आपका 6-7 दिन हो गया फीवर कम गया और फिर से रीअपियरेंस हुआ, फीवर फिर से आ गया और CRP देख रहे हैं कि बढ़ना शुरू हो गया, तो किस कंडीशन में स्टेरॉयड नहीं देना है इस पर भी आप ध्यान देंगे। तो देखिए हम पहले ही बताएं आपको कि जैसे ही शुरुआत के दिनों में जैसे ही जो है कोविड जो है कोरोना वायरस एंटर करता है तो उसका रेप्लिकेशन होता है, नंबर बढ़ता जाता है संख्या में और वायरल लोड बढ़ते जाता है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में अगर हम स्टेरॉयड्स देंगे तो इम्यूनिटी लोअर होगी, ये और ज़्यादा जो है अपना नंबर बढ़ाएगा, रेप्लिकेट करेगा और जो है हमको जो है बीमार करेगा और जो है एक तरह से कहें कि कॉम्प्लिकेशंस करेगा। दूसरा है कि अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक मतलब आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी खांसी 1-2 दिन रही, बुखार रही, तो इस कंडीशंस में भी आपको नहीं लेने की जरूरत है स्टेरॉयड्स। तीसरा है कि आजकल तो सब लोग सीटी स्कैन करा ले रहे हैं तो उसमें भी देखा जा रहा है कि अगर सीटी स्कोर जो है less than 8 मतलब कि माइल्ड में आता है तो इस कंडीशन में भी यूजुअली स्टेरॉयड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। CRP लेवल आप बार बार करा रहे हैं, देख रहे हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड है, नीचे की तरफ जा रहा है, पहले जो रिपोर्ट था उससे हमेशा जो है देख रहे हैं कि घटता जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी स्टेरॉयड्स की जरूरत नहीं। अब स्टेरॉयड्स का एक साइड इफेक्ट है बहुत कॉमन कि शुगर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। अब इसके लिए क्या करना है आपको कि इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो आपके डॉक्टर्स आपको इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन जो कि आपका 3 बार शुगर चेक होगा हॉस्पिटल में और 3 बार जो है आपको इंसुलिन दिया जाएगा। अब आप कभी ये ना सोचे कि अगर इंसुलिन दे रहा है तो मुझे जो है जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, ये सब बातें पुरानी है, एक तरह से मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा कि अभी मैंने बोला कि अगर बहुत ज्यादा आपको खांसी हो रही है तो आपको इनहेलेशनल स्टेरॉयड्स मतलब जो है MDI मीटर डोज इनहेलर के थ्रू या नेबुलाइजर के थ्रू लिया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि एक बार अगर मैंने ये पफ लेना शुरू कर दिया इनहेलर तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, ये सब चलती थी पहले, अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लड थिनर की बात क्यों आती है, तो ब्लड थिनर इसलिए क्योंकि जब भी जो है हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम होगा या हाइपर इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशंस में जो है आपका जो खून की नलियों के जो इनर लाइनिंग है उसमें डैमेज होता है और जब डैमेज होगा तो वहां प्लेटलेट्स जो है बहुत सारे एग्रीगेट होने लगते हैं और क्लॉट बना देते हैं और वो क्लॉट अगर जो है कहीं डिसलॉज हो गया और कहीं पतले
जो कैलिवर वाले जो वेन है, आर्टरी है, वहां अगर पहुंच गया तो फिर हो सकता है कि अगर हार्ट के पास, अगर हार्ट वाले आर्टरी में पहुंच गया तो हार्ट अटैक कर सकता है आपको, ब्रेन वाले अगर आर्टरी में पहुंच गया तो स्ट्रोक कर सकता है। तो वो क्लॉट ना बने या क्लॉट जो बना है उसको जो है डिजोल्व करें, इसलिए जो है हम लोग ब्लड थिनर्स दे के रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हाइपर रिस्पॉन्स होगा इम्यून सिस्टम का, हाइपर इन्फ्लामेशन होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म होगा, तो जरूर जो है मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है, उसमें जो है आर्टरी और वेन्स का इनर लाइनिंग भी डैमेज होता है और क्लॉट बनता है, प्लेटलेट्स चिपकते हैं और वो क्लॉट डिसलॉज हो सकता है कहीं भी, और पतले ल्यूमेन या पतले कैलिवर वाले वेन आर्टरी में जाके उसको प्लग कर देगा और फिर उसके चलते जो ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगा वहां पे हार्ट अटैक या इस्कीमिया या एक तरह से बोले कि जो है ब्रेन स्ट्रोक ये सब हो सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग पेशेंट्स को जो है ब्लड थिनर दे के रखते हैं। अब ब्लड थिनर में क्या दिया जा सकता है, आप बोलेंगे एस्प्रिन भी है, क्लोपिटेप भी है, लेकिन ब्लड थिनर आइडियली जो ट्रायल्स हुए हैं, रिसर्चेज हुए हैं और उसका जो आउटकम हुआ है, जनरली तीन चीजें बोली जा रही है देने को। एक तो आप दे सकते हैं कि जो है चमड़े में जो हम लोग इंसुलिन की तरह जैसे देते हैं वो है क्लेक्सेन, मतलब क्लेक्सेन मीन्स की लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ये जो है ब्लड थिनर है, इसको जो है दिया जा रहा है 40 मिलीग्राम जो है सबकट बोलते हैं, मतलब सबक्यूटेनियस जो थोड़ा चमड़े उठा के और वहां पे जैसे इंसुलिन दिया जाता है वैसे आप दे सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, मैंने यहां दिया है आप देखें, ये दिन में जो है एक बार करके, या अगर बहुत सीवियर केस है और अदर रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट को, डायबिटीज है, स्मोकर है, बहुत वेट ज्यादा है, वेट बीएमआई बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो है इसका जो डोज है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का, ये डबल भी कर सकते हैं या 60 करके भी, डबल 60 करके दिन में दो बार भी दे सकते हैं, तो ये डोजिंग मैंने दिया है। और भी ब्लड थिनर्स में अगर टैबलेट्स की बात करें तो दो ही टैबलेट्स जो है मेनली बोला जा रहा है, पहला है रिवोरॉक्सावेन, जो कि एक तरह से बोले ज़िरेल्टो नाम से, एक ही कंपनी बनाती है, ज़िरेल्टो नाम से आती है, और एक है एपिक्सीबेन 2.5 मिलीग्राम करके आती है, दिन में दो बार दिया जाता है। कितने दिनों तक ले, रिवोरॉक्सावेन जो है 10 मिलीग्राम का आता है, अब ये रिवोरॉक्सावेन और एपिक्सीबेन कितने दिनों तक आपको लेना है, या जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, तो ये तीनों जो है अगर आप जिसका भी एक चल रहा है कोई एक, तो कम से कम बोला जा रहा है कि 30 डेज तक आप ले लीजिए। अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो इंजेक्शन के जगह कम से कम लेकिन टैबलेट लीजिए, लेकिन पूरा जो है पोस्ट जो है टोटल मिला के ड्यूरेशन 30 डेज कम से कम ले लीजिए। अब किन किन पेशेंट्स को जो है हम एंटीकोआगुलेंट्स नहीं दे सकते हैं, तो जिनका भी रिसेंट कोई सर्जरी हुआ है, जिनको पेट में जो है अल्सर का प्रॉब्लम है, या जिनका ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है, या एंड स्टेज किडनी डिजीज है, या हीमोफीलिया का जो है प्लेटलेट जो है लेस देन 20,000 आ रहा है, या जिनका बीपी आप देख रहे हैं कि 200 से ऊपर है, तो इन सब कंडीशंस में ब्लड थिनर्स हम नहीं देंगे। इन सब कंडीशन में अगर दे देंगे ब्लड थिनर्स तो इनका ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा किसी भी पॉइंट से और वो रुकेगा ही नहीं, तो इसीलिए पहले से एक हिस्ट्री लेके, प्रॉपर हिस्ट्री लेके फिर पेशेंट को ये दिया जाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच।